नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश, आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल शौकीन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ख़राब सी एप्पल बल्ब को हम किस प्रकार से एक नाइट लैम्प के रूप में यूज में ले सकते हैं, वो भी मल्टी कलर के रूप में। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान है और इसका काम मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये वर्किंग करेगी। तो ये एक सी एप्पल लैम्प है, सी एप्पल बल्ब है। तो चलिए मैं इसको एक बार खोल लेता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको खोल लिया। ये इसके अंदर ये इस प्रकार के पार्ट्स है। तो अब मैं इसके अंदर जो भी इसी के पार्ट्स को मैं यूज करके और वो चीज़ बनाऊंगा। एक तो कैपेसिटर ले लेता हूँ, ये वाला 10 माइक्रोफेड 250 वोल्ट है। ये कैपेसिटर हो गया। इसके अलावा अब मैं इसी के अंदर से ये डायोड ले लेता हूँ, 4007। सब इसी का यूज कर लेंगे। सिर्फ एक रेजिस्टेंस मैं इसमें लगाऊंगा अलग से, बाकी सारा इस सी एफ एल का ही यूज करके हम नाइट लैंप बनाएंगे, वो बहुत शानदार रंग बिरंगा। चार डायोड हो गए, कैपेसिटर हो गया। अब इसके अंदर से ही हम ले लेंगे एक पीएफ कैपेसिटर 400 वोल्ट का। कैपेसिटर हो गया, और एक ये वाला कैपेसिटर ले लेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक मैं ये एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, 68 ओम की है। ओके, अब बाकी ये सारा सामान हो गया है। अब देखते हैं किस प्रकार से इसको करना है। यहाँ पे एलईडी और की जरूरत पड़ेगी, तो एलईडी हम ले लेते हैं। ये मैंने एलईडी ले लिया है, ठीक है, दो एलईडी ले लिए। अब करना ये है कि यहाँ पे ये देखिए, ये सी एप्पल के अंदर यहाँ पे ये जो कांच है यहाँ पे, इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से इन वायरों को, जो ये वायर है सी एप्पल के अंदर जा रहे हैं, इनको काट देंगे, ठीक। अब ये जो ये है शीशा जो सी एप्पल के अंदर ये रोड सी बनी हुई है, इसको तोड़ देंगे। ठीक है, इसके अंदर से कचरा हम निकाल देंगे। ओके, सबसे पहले जो हमारे पास ये चार डायोड है, हम इनका ब्रिज रेक्टिफायर बना लेंगे।
फिर हम ब्रिज रेक्टिफायर बना लेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद अब जो हमारे पास जो कैपेसिटर है 100 के और 150 के, इसको हम पैरेलल में लगा लेंगे। पैरेलल में लगाने पर इनकी जो वैल्यू है वो 250 के हो जाएगी। ठीक है, यानी ये 250 के 400 वोल्ट हो गया। इसमें एक कैपेसिटर 400 वोल्ट का है। ठीक है, अब हम इसको ब्रिज रेक्टिफायर पे लगा देंगे सीधा। तो यहाँ पे हम ये ब्रिज रेक्टिफायर पे हमने इसको लगा दिया है। ठीक, अब इसके बाद जो ये कैपेसिटर है 250 वोल्ट 10 माइक्रोफेरेड, अभी इसको हम इस पे ब्रिज रेक्टिफायर पे लगा देंगे। प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस, इस प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हम जो ये रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस लगा देंगे, 68 ओम की रेजिस्टेंस है जो हमने अलग से ली थी। सप्लाई में तो ये क्या है, जो एलईडी है उसको वोल्टेज को कंट्रोल में करके रखेगी। ठीक है, ये हो गया। अभी हम यहाँ पे एलईडी जोड़ लेंगे। तो ये एलईडी है, एलईडी को मैं जोड़ देता हूँ। हमने दो एलईडी ली थी, एक एलईडी में और ले लेता हूँ, एक छोटी एलईडी और ले लेता हूँ तीसरी। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं। मैंने तीन प्रकार की एलईडी ले ली है, रेड व्हाइट और ब्लू। ठीक है, अब हम इसको जो एमसी से टूटे हुए थे इस भाग में इनको डाल लेंगे। मैंने ग्रीन सॉरी ये रेड और ब्लू वाली मैंने इसके अंदर डाल दी है। ओके, एक एलईडी है मैंने ये साइड में और जगह है यहाँ इस जगह लगा ली है। चाहे तो हम इस एलईडी को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इसको हटा लेते हैं। दो एलईडी हम इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वाइट वाली एलईडी वापस हटा ली और ये दोनों एलईडी है, एक ब्लू और रेड, इसमें मैंने डाल दिए। अब हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो चलिए इसका कनेक्शन कर देते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एक एलईडी के साथ कनेक्शन हो गया और दूसरा जो भाग है सीधा ब्रिज पे, जो कि कैपेसिटर के माइनस वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है, उससे कर देते हैं।
ठीक है, ये हमने कैपेसिटर को माइनस वाले हिस्से से कर दिया है। अगर इसमें सीएफएल में तीसरा छेद और होता तो हम इसको तीसरी एलईडी को भी हम लगा लेते, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब ये दो एलईडी मैंने लगा लिए, रेड और ब्लू, ठीक है। अब इसका कनेक्शन में जो सीएफएल का पीछे का हिस्सा है इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाले, ठीक है। और ये जो वायरिंग है एसी 220 वोल्ट, इसका कनेक्शन मैं कर देता हूँ। एक तो मैंने यहाँ सीधे ब्रिज पे दे दिया है, इसको ये सीधा ब्रिज पे, और दूसरा जो है कैपेसिटर का जो बचा हुआ हिस्सा था एक तरफ का, जो पीएफ कैपेसिटर का एक तरफ का बचा हुआ एक तरफ का हिस्सा, उस पर उसकी लेग्स पे दे दिया है मैंने। ओके, अब ये पूरी तरह से इसका कनेक्शन हो गया है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसमें सेट कर लिया इसको, ठीक है। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं 250 वोल्ट से। तो ये देखिए, ये बिल्कुल देखने में बिल्कुल सीएफएल जैसा है, तो मैंने इसको इसमें होल्डर में लगा दिया है, ठीक है। तो मैं इसको होल्डर में लगा देता हूँ। अब हम इसको जला के देख लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, देखिए ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा ये नाइट लैम्प बन गया है। तो इसका बहुत बढ़िया तरीके से हम नाइट में यूज़ में ले सकते हैं, और रंग बिरंगी लाइट के रूप में, डेकोरेशन के रूप में भी इसका यूज हम ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, और साथ में हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल सोकिल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।